अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले दोस्तों खबर के बारे में बात करूंगा, पर उससे पहले आपको मैं कुछ सवालों का आपका मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे वीडियो में आकर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उन कुछ भाइयों का सवालों को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने कोई सवाल किया होगा, उसका आप लोगों को ऐसे जवाब मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके दोस्तों चार पांच सवालों का मैं उठाया हूं, उन सभी का मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक भाई ने पूछा है, भाई क्या मैं अभी पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास 10th की कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं अभी कतर जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? तो भाई बताना चाहूंगा आपको, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका पासपोर्ट जो बनता है वो दोस्तों वो पासपोर्ट अलग आपका बनता है। तो साथियों, यदि आप पढ़े लिखे आप नहीं हो तो आपका जो पासपोर्ट बनता है वो पासपोर्ट बनता है आपको ECR यानी इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यदि आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले इमिग्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जाने की अनुमति मिलती है। तो यानी यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जा तो सकते हो, पर बहुत ही कम दोस्तों आपको चांस होता है आपको वीजा आपका मिलने का, क्योंकि आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि 10th पास कर लीजिए और कम से कम 10th का सर्टिफिकेट बनवा के अपने पासपोर्ट को आप बनवाइए, ताकि आपको जाने में दिक्कत ना हो। अब जा सकोगे पर थोड़ी दिक्कत होगी, और आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्पर क्लीनर में ही आपको जॉब मिलेगा, दूसरे जॉब में मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है, पर जा सकते हो, पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगली जो दोस्तों सवाल पूछा गया है, वो पूछा गया है क्या भाई मेरा सिंगल नाम है तो क्या मैं वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मेरा वीजा निकल जाएगा? तो भाई जिसने भी ये सवाल पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका यदि सिंगल नाम है, यदि जैसे कि दोस्तों किसी का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे किसी का नाम है इमरान और दूसरा नाम है इमरान आलम, तो जिसका इमरान नाम है दोस्तों उनका वीजा निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब उससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो, जब सबमिट करते हो, तो आपका दोस्तों वहां पे फॉर्म सबमिशन फॉर्म जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपका हो सकता है आपका वहां पे काम नहीं हो पाएगा और आपका हो सकता है वीजा अप्लाई नहीं हो पाए। तो कोशिश कीजिए दोस्तों अपने दो नाम रखने का, कम से कम जैसे कि इमरान आलम, इमरान खान, जो भी कम से कम दो वर्ड होना चाहिए, टाइटल भी आपका होना चाहिए, तभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगला सवाल एक भाई का, बहुत सारे भाई ने ये सवाल पूछा है खासतौर पे इंडिया से, कि भाई मैंने कोवैक्सीन ले चुका हूँ, दोनों डोज कंप्लीट कर चुका हूँ और 14-15 दिन तक मैं अपने मुल्क में घर में रह चुका हूँ, क्या मैं अब वहाँ पे जा सकता हूँ, क्या कोवैक्सीन के अप्रूवल मिल गया है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि ये सवाल जो है आप नहीं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कोवैक्सीन लेके मैं क्या कतर जा सकता हूँ या फिर कोई भी देश जा सकता हूँ। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, कोवैक्सीन को अभी किसी की तरफ से अप्रूवल अभी नहीं दिया गया, किसी भी कंट्री ने इसे अप्रूवल नहीं दिया है, तो कोवैक्सीन लेकर फिलहाल आप अभी कतर नहीं जा सकते हो। कतर क्या, अभी कोई गल्फ कंट्री आप नहीं जा सकते हो। जी हाँ, यदि आपने कोविड शील्ड लिया है तो वो आप लेकर जा सकते हो, क्योंकि कोविड शील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका का ही वो पार्ट है। तो कोवैक्सीन को दोस्तों अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, पर WHO ने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी उस पे दोस्तों उसका जो है अप्रूवल मिल जाएगा, और इंडियन गवर्नमेंट लगातार उनसे कांटेक्ट में है, बात हो रही है कि कोवैक्सीन को भी बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिलने की संभावना है। पर दोस्तों ये अप्रूवल कब मिलेगा इस पे अभी कोई मैं बात नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कोई आई नहीं है, इंडिया से भी कोई अभी न्यूज़ नहीं आई है, पर उम्मीद ये जताई जा रही, उम्मीद क्या, मैं 100% कह रहा हूँ दोस्तों, आज नहीं तो कल कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाएगा और आप कतर जा पाओगे। अगला जो सवाल है भाई का पूछना चाह रहे भाई, कतर जाने के लिए या फिर कोई भी मुल्क जाने के लिए, गल्फ जाने के लिए हमारी एज कितनी चाहिए? तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, यदि आप किसी भी कंट्री जाना चाहते हो या कतर जाना चाहते हो, तो आपको मिनिमम एज जो चाहिए वो 18 साल चाहिए। 18 साल से एक दिन भी यदि आपका कम होगा तो आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और आप जा नहीं पाओगे। तो जब तक आपका 18 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप अप्लाई भी मत कीजिएगा, यदि एक दिन भी बाकी रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बात को आपको ध्यान देना है। अगली सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, एक भाई ने ये पूछा है कि भाई बताइए कि कितनी उम्र तक हम ये जा सकते हैं किसी भी कंट्री में काम करने। तो दोस्तों सभी देश का जो है वो अलग अलग एज लिमिट होता है, किसी का 50 साल 60 साल, तो दोस्तों उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप किस देश जाना चाहते हैं उसका आप देश का नाम लिखिए, उसके बाद में इसके बारे में कोई डिटेल बता पाऊंगा, क्योंकि अब हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है, किसी का 50 साल, किसी का 55 साल, किसी का 60 साल होता है, तो इसकी कोई दोस्तों मतलब अभी गारंटी नहीं है, कौन से देश में आप जा रहे हो इसके बारे में कोई मैं अभी बता नहीं सकता हूं। तो दोस्तों उनको सवालों का जवाब था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।